हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए फिर से एक न्यू ट्रेनिंग स्टेट वीडियो लेके आ चुके हैं। जो फ्रेंड स्टार्टिंग में जो वीडियो देखे हैं, अगर आप भी चाहते हैं उस तरह के अपने फ़ोन से अपने अपने वीडियो बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। विदाउट स्किप की वीडियो को फुल वॉच करिए तो फ्रेंड आपको समझ में आएगा कैसे आप अपने फ़ोन से सिर्फ 5 मिनट के अंदर में किसी अपने अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे वैसा आप इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पर कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास 2 एप्लीकेशन होना चाहिए फ्रेंड, एक कोई भी एक VPN एप्लीकेशन होना चाहिए और एक कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए। तो जो कि आपको VPN एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर जाकर मिल जाएगा और जो सेकंड जो एप्लीकेशन फ्रेंड आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो आपको गूगल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा कैपकट। तो उसके बाद चलिए फ्रेंड अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। अपने फ़ोन को पहले VPN से कनेक्ट कर लेना है फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे VPN को चलिए लेते हैं फ्रेंड यहाँ पे VPN को, यहाँ पे सिंगापुर VPN यहाँ पे मेरे फ़ोन में है। तो चलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, इसको पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसको डाउनलोड करके रखे हुए हैं, स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पे जो मेरा VPN यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा मेरे फ़ोन में। ये लोगों को कहता रहता हूं ऐड आ चुका है, चलिए इसका ऐड को अब यहाँ पे कट कर देते हैं। यहाँ पे कट कर दिए और देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरा जो कि VPN कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। अपने फ़ोन में आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे हम ओपन कर लिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, होम पेज पर चले जाएंगे यहाँ पे और आ चुका है यहाँ पे, यहाँ पर लिखना है मास यस और यहाँ पे जो है यहाँ पर इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ कैपकट यहाँ पर कर देना है, कैपकट कर देना है यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए यहाँ मैच यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इतना लिखिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं इसको लेना है फ्रेंड यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ऊपर लिंक आया इसको सिलेक्ट करना है, उसका सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर करिएगा फ्रेंड यहाँ पर यूज टेम्पलेट पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपके यहाँ पर ले जाएगा कैपकट एप्लीकेशन में ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है और वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे आ चुका है, यहाँ पे यूज टेम्पलेट पर क्लिक करना है और जैसे ही यूज टेम्पलेट पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे अलाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 फोटो को ऐड करना है। तो फोटो वाले सेक्शन में फ्रेंड चले जाना है, यहाँ पर एल्बम पर चले आना है और एल्बम पर आने के बाद यहाँ पर अपने फाइल से फ्रेंड आपको क्या करना है, 3 फोटो को ऐड कर लेना। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम 3 फोटो को ले लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फोटो यहाँ पे ऐड करना चाहिए उस फोटो को ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 फोटो को ले लिए, 2 ले लिए और 1 यहाँ पे 3 ले लिए। 3 फोटो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम ले लिए। यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद आपका जो कि इंस्टाग्राम के लिए ट्रेनिंग रील्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक यहाँ वीडियो यहाँ कंप्लीट हो यानी बन रहा है। जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जरूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जो कि लोडिंग इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ सेकंड टाइम लगेगा तो यहाँ जब तक होने देते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर देखिए इस तरह से आ चुका है। इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे 15 सेकंड का 1 मिनट वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी सॉन्ग को ऐड नहीं करना जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सॉन्ग मिलता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं कैपकट का जो लोगो दिया है वाटर मार्क, इसको क्या करना कैसे हटाना चलिए फ्रेंड आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का जो आइकन देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो टिकटॉक का जो आइकन दिया है एक्सपोर्ट विदाउट वाटर मार्क, इस पर क्लिक करना है। तो उससे पहले आपको यहाँ पर 1080 यहाँ पर जो दिया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना आने जो वीडियो का जो क्वालिटी रखना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर एक्सपोर्ट का जो आइकन दिया है यहाँ पर एक्सपोर्ट पर हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो विदाउट वाटर मार्क का जो मेरा वीडियो यहाँ पर बनकर मेरा तैयार हो जाएगा और मेरे फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तो टेक केयर फ्रेंड, बाय फ्रेंड।